वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में निकला हुआ है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस एग्जामिनेशन के ऊपर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको खोल के दिखाऊंगा और उसके अंदर चीजें बताऊंगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज की क्राइटेरिया और डिटेल जितनी भी छोटी मोटी है नोटिफिकेशन में दिखेंगे। सेकंड नंबर पर हम देखने वाले हैं जो भी हमारा एग्जामिनेशन होगा उसके एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है। उसके बाद हम सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और इसके अंदर मैं एक ऐसी बुक भी आपको बताऊंगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक आपको परचेस करनी है और ये पूरे एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और लास्ट में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत और डिटेल्स वगैरह देखेंगे। बस इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। तो 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं मैं इस वीडियो को कुछ भी आगे स्टार्ट करूं उससे पहले। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइपिंग का, कि टाइपिंग अगर आपको नहीं आती है तो थर्ड लेवल पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले बनाया था जब लास्ट ईयर एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन निकला था, तब बहुत सारी क्वेरी आई थी। तो मैंने टाइपिंग स्पीड बताया था कि हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, बिना कंप्यूटर के भी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको जरूर देख सकते हो। और सेकंड पॉइंट, अगर आपको एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के टेस्ट देने हैं, एज अ टेस्ट देने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो novarnikhil.in। मैंने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही 1700 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कर रखा है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो आप जा सकते हो, डेफिनेटली इतने लोगों ने भरोसा दिखाया, आप भी जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और एक बार टेस्ट तो एक आप फ्री टेस्ट देकर के देख सकते हो कि किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। जैसा आपका एग्जामिनेशन होता है ना, सेम उसी तरीके से इसके अंदर डिजाइन किया गया है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन जब आप दे दोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन भी मिलता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, हर एक चीज दिखती है, आपकी रैंकिंग भी दिखती है कि बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से आपकी क्या रैंकिंग है। तो आप एक बार वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है novarnikhil.in की। वहां जाकर के आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की ए टू जेड सिर्फ इतना ही नहीं, 392 डिफरेंट एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको सीएचएसएल की स्ट्रेटजी वीडियो अभी की अभी देखनी है, तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो था, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखना होगा तो आप उसको भी देख सकते हो, काफी अच्छा खासा वीडियो है वो। एक बात मैं आपको और बता देता हूं जो बहुत जरूरी है, एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की भी नौकरी निकल चुकी है, उसकी भी पोस्ट निकली है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है 2016 के बाद अब करके निकली है, तो उसको भी आप जरूर भरना। ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट उस फॉर्म को भर सकता है, उसके अंदर जो जनरलिस्ट है उसको कोई भी भर सकता है। इसके अलावा भी 2-3 और पोस्ट निकले हैं, उसके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि LICAO के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए अब हम एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन को डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 5th मार्च को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 5th मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हो 5th अप्रैल तक। अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल तक के बीच में, अगर इससे ज्यादा या कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और आप 12th पास हो, ठीक है, 5th मार्च से 5th अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भरना है। आपकी उम्र अगर 18 से 27 साल के बीच में है और आप 12th पास हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये बहुत सिंपल चीज है। हालांकि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसको हम जरूर देखेंगे। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एसएससी रिक्रूटमेंट लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का। ग्रेजुएट लेवल पे जैसे सीजीएल होता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वैसे ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th क्लास के लिए। तो जैसे वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, वैसे ये 12th क्लास के लिए है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो इसी के थ्रू होती है, जितने भी आपके क्लर्क लेवल की जॉब है वो इसी के थ्रू रिक्रूटमेंट लेते हैं। तो इस साल 5134 पोस्ट टोटल निकली है, जबकि 3000 के आसपास कही गई थी कि इतनी रिक्रूटमेंट आएगी, बट ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है पोस्ट में और 5134 टोटल पोस्ट निकल रही है। तो उसके अंदर जो ये टोटल सीट्स निकली है, 3 डिफरेंट टाइप के पोस्ट के लिए निकली है। सबसे पहला जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट या फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके अंदर टोटल 1856 वैकेंसीज निकली है। अगली जो पोस्ट है वो है पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसके अंदर 3267 पोस्ट है। उसके बाद डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसके अंदर टोटल आपकी 2 वैकेंसीज है। तो ये टोटल ब्रेकआउट
आपके तीन डिफरेंट टाइप के पोस्ट का। मैं आपको पहले बता दूं कि टोटल क्लर्क टाइप की जॉब है, आपको इसके अंदर जो प्रमोशन का मैं अगर बताता हूं थोड़ा बहुत आपको, तो सेक्शन ऑफिसर तक आप पहुंच सकते हो इसके अंदर, जो एसएससी सीजीएल में डायरेक्टली बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उसको इसके अंदर आप प्रमोशन के थ्रू बन सकते हो। तो ये एक लेवल की नीचे की जॉब है जो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी है, तो ये क्लर्क लेवल की जॉब है जिसके अंदर आप सेक्शन ऑफिसर तक के लेवल तक आप पहुंच सकते हो। मोस्टली आपका लाइफ इसमें क्लर्कल जॉब में ही निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका बहुत सिंपल है, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपीयरिंग हो, आपने अभी जस्ट एग्जामिनेशन दिया है, आपके रिजल्ट नहीं आए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर जो DEO की पोस्ट है जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिसने 12th साइंस से किया है, प्लस उसके अंदर साथ में मैथमेटिक्स भी था। तो 12th साइंस प्लस मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने किया है तो DEO की पोस्ट, यानी जो 2 पोस्ट ही जिसकी कोई मतलब भी नहीं उतना, उसके अंदर सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अंदर मोस्टली 99.99% पोस्ट के लिए कोई भी 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। कुछ लोग ये डाउट आ गया, हम ग्रेजुएट है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल तक के बीच में है तो। 12th जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको 12th मिनिमम होना चाहिए। भले आपने PhD कर रखी हो और आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में, तो भी आप SSC CHSL के फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं इसके सैलरी की बात करूं तो ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है, जिसके अंदर हाथ में आपकी सैलरी में बताऊं तो 25,000 के आसपास बनेगी। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं पुलिस में, जो मोस्टली लोगों को समझ में आता है, तो ये कांस्टेबल रैंक की जॉब है, ये बहुत हाई लेवल की कोई जॉब नहीं है, बट अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर आप काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत आपको पढ़ाई करने का भी टाइम मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, वो भी जनरल OBC के लिए, बाकी सबके लिए फॉर्म फ्री है। और इस फॉर्म को ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो पोस्टिंग है ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो पूरे कंट्री में आपको कहीं पर भी पोस्टेड कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी डिटेल हमने देखी, अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर और इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस के ऊपर कि किस किस प्रोसेस से गुजर के आपको इसके अंदर नौकरी मिलती है। देखिए इसके अंदर टोटल 3 स्टेजेस हैं। आपने सोचा होगा मैंने आपके थंबनेल में लिखा था कि इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, हाँ मैंने एकदम सच लिखा था, इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। कैसे, आपको बताता हूँ। 3 टोटल इसके अंदर लेवल है सिलेक्शन प्रोसेस का, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 के अंदर आपके 4 पेपर होते हैं नॉर्मल, हमारे GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन में से होंगे, जिसके 50 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50-50-50-50 आपके टोटल 200 मार्क्स हुए, 100 क्वेश्चन हुए जिसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। ये हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और ये एक लौता एग्जामिनेशन है इसके अंदर। क्यों, टायर 2 पे आते हैं, आपको पता चलेगा। टायर 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये क्वालिफाइंग है, मतलब 33% मार्क्स इसके अंदर आपको लेके आने हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे टायर 3 देने के लिए, और प्लस में आपके जो मेरिट लिस्ट के अंदर है उसके अंदर आप घुसने के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब आपके अगर सारे मार्क्स मिलाते हैं Tier 1, Tier 2 और उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में घुस जाते हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा नौकरी के लिए। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि टायर 3 में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोगों को या 15,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जिसके भी 33% से ज़्यादा आ जाएंगे वो सिलेक्टेड होंगे। और ये जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, ये रिटन में होगा या ऑनलाइन में होगा, टाइप भी नहीं करना आपको, और इसके अंदर एक ऐसे होगा और एक लेटर राइटिंग होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। भले आपने अगर अपना फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में चुनाओ, आपको फिर मौका मिलेगा आपके Tier 2, Tier 3 में ये चुनने का कि आपको कौन सी भाषा से आगे प्रोसीड करना है। तो आपको समझ में आया, टायर 1 जो था हमारा उसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन, एक लौता रिटन एग्जामिनेशन है। टायर 2 पे आते हैं जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एसे और लेटर राइटिंग का, 33% मार्क्स इसके अंदर कंपलसरी है लाना, तभी आप टायर 3 दे पाओगे। बट ये अच्छी बात है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, बट इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में भी जुड़ेंगे। इसके बाद आते हैं हम Tier 3 के ऊपर। Tier 3 के अंदर बहुत ही सिंपल है, आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, DEO जो है उसके अंदर बहुत ही इंटेंस आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो तो जिसकी टाइपिंग अच्छी हो वही अप्लाई करे। बट इसके अंदर जो आपका 30-35 वर्ड्स पर मिनट का जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको बनाना पड़ेगा, जो आपके प्रैक्टिस से हो सकता है इजिली। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा मेरे टाइपिंग स्पीड का, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसके अलावा और कोई इसके अंदर और प्रोसेस नहीं है। तो रिटन एग्जामिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टायर 1 का था, इसके अंदर और कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है, तो आपने शायद SSC CGL कभी नहीं दिया, कभी आपने SBI PO नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर टायर 2 का पेपर भी होता है।
और उसके बाद भी आपको सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ता है, या फिर बैंक क्लर्क की भी बात करो तो उसके अंदर भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया उनके कंपैरिजन में, बट ये इजी नहीं है क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल एग्जामिनेशन का हिसाब कि इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हमने पैटर्न देख लिया, अब हम सिलेबस पे आते हैं। आपको पता चला सिर्फ और सिर्फ टायर वन के अंदर ही आपका सिलेबस है और कोई एग्जामिनेशन का इसमें सीन ही नहीं है। तो आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, ये आपको चार पढ़ने हैं। 25-25 मार्क्स आपके चारों के हैं, तो आपको चारों को इक्वली टाइम डिवोट करना है। और इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शन के अंदर कोई भी कट ऑफ नहीं है। मैथ्स में आपके जीरो नंबर आते हैं, बट आप ओवरऑल कट ऑफ पार कर जाते हो तो आप पास हो, इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। दूसरा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हाई है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके अंदर 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, जो भी नॉर्मल एग्जाम में आप देखते हो उसमें 0.33 होता है, बट इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक अपने जो सही किया होगा उसके मार्क्स भी आपके चला जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ही हिसाब से आपको सॉल्व करना है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पे ज्यादा हो तभी आप अटेम्प्ट करो। तो चलिए एक बार सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशियंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सिलोजम, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अब हम क्वांट पे आते हैं। क्वांट का सिलेबस है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और इसके बाद हमारा लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये था क्वांट का। तो चलिए अब हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में सबसे पहला पैराग्राफ यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब हम आते हैं जीके पे। जीके पे आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये टोटल सिलेबस है। सिलेबस बहुत हाई फाई नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर ऐसा मत लेके चलिए कि बहुत जीरो लेवल का चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपने CGL दिया है, बैंक की प्रिपरेशन किया, तो ये उससे आपको नीचे के लेवल की जॉब है। इसका मैं एग्जामिनेशन की टफनेस की बात करूँ तो ये था हमारा सिलेबस और हमने आई थिंक ठीक ठाक डिटेल्स देख ली हैं। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर बुक्स ही है। तो देखिए, मैं आपको जो एक आपको बुक बता रहा था कि कोई एक बुक जिससे पूरा एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है, वो बुक भी है, वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। देखिए, अरिहंत सारे एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर बुक निकालता है, एक ही मतलब बुक लो और आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, तो वो बुक भी ठीक ठाक होती है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, जो इसकी बाकी बुक्स निकलती है मैं उससे इसको सुपीरियर मानता हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ के देखा हूँ, ठीक ठाक ये बुक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर CHSL की प्रिपरेशन ही करना चाहते हो, मुझे कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, तो आप वो बुक परचेस कर लो। एक इतनी मोटी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑफलाइन भी परचेस करना चाहो तो आप एक बार जरूर देख लेना उसका कवर और राइटर का नाम कि वो क्या है। बट अगर आपको सिर्फ इसकी नहीं और भी सारी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, बैंक भी देने हैं, CGL भी देने हैं, तो आपको और आप जो आने वाले रेलवे वो भी देने हैं, तो आपको जो मैं बुक्स हर बार रिकमेंड करता हूँ वो ही करूँगा। देखिए, क्वांट के लिए, मैथ्स के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक भाई राजेश वर्मा बेस्ट बुक है इसके लिए, और SSC के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं। RS अग्रवाल भी इसके सामने नहीं ठहरती है SSC के मामले में, और एग्जामिनेशन के मामले में फिर भी वो ठहर जाती है, बट इसमें नहीं ठहरती है। तो अगर आपके पास बुक कुछ भी बुक नहीं है तो आप ले लो, अगर आपके पास कोई बुक पहले से है तो आप उसी से पढ़ो, कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट की बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया है। बट अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको हिंदी में ही समझना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा, तो SP बख्शी ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी मतलब उसके अंदर डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर देखिए, मैं कहता हूँ एक ही बुक ले लीजिए। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, RS अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग की, एशाद पब्लिकेशन की, वो इतना मोटा है। रीजनिंग में कुछ नहीं होता, रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करना होता है और टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जो मोटी बुक है ना, वो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, उसके सीरीज कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए मैं वो बुक कहता हूँ, क्योंकि आपने एक साल अगर पढ़ दिया और आपकी बुक कोई जो आपने ले रखी पतली सी वो खत्म हो जाएगी, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस करते रहना, रीजनिंग के अंदर नई नई चीज़ें दिखती रहनी चाहिए। तो इस वजह से मैं वो बुक कहता हूँ। और ऐसे भी वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, तो RS अग्रवाल की जो आपकी बुक है
वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, वो आप परचेस कर सकते हो। अब हम आते हैं जीके के ऊपर। जीके में जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसके लिए आप लूसेंट की जीके परचेस कर सकते हो, बेस्ट है। ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, सब्जेक्टिव वाला भी कर सकते हो। सब्जेक्टिव वाले को मैं थोड़ा प्रेफरेंस देता हूँ। और इसके अलावा जो आपके जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक है उसको अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए मैं कहूँगा प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। बट अगर आपको पीडीएफ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है और मोटी मोटी बुक होती है, हर महीने एक निकलती है, तो विजर्ड की आपकी स्पेशल एडिशन निकलती है 6 मंथ की, उसको आप परचेस कर सकते हो। इतनी मोटी बुक होगी, जीके जो आपका लास्ट 6 मंथ्स का होगा उसके अंदर अच्छा खासा दिया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत ठीक है तो पीडी भी निकाला होगा लास्ट 6 मंथ्स का जीके, वो भी इतनी मोटी बुक होगी, तो वो भी आप लेके परचेस कर सकते हो। दोनों बुक जो है विजर्ड की और प्रतियोगिता दर्पण मैं कहूँगा स्टोर से ही परचेस करना, बिकॉज ऑनलाइन आपको पुरानी मिलेगी। तो और बाकी बुक आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर एक बार चेकआउट करना बुक्स को। तो ये था सारा डिटेल जो इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड था। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगा, हालांकि मैं अभी अपनी रेलवे की स्ट्रैटेजी वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी वीडियो देने वाला हूँ। मैं अभी 5-6 दिन से काम कर रहा हूँ उसके ऊपर और भी मैं लगभग 5-6 दिन और लगेंगे उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए, और मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूंगा रेलवे एग्जामिनेशन की। अगर इसके लिए भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं 2017 में जो निकाला था उसको भी आप देख सकते हो, 90% वो भी आपको काम करेगा, बट फिर भी मैं अगर आप कमेंट करोगे तो इस साल भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो निकाल दूंगा। तो चलिए एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं SSC CHSL का। तो अगर मैं 2018 की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ था 143.5, 200 में से 143.5 बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, इतना स्कोर करना बहुत मुश्किल। और ये कट ऑफ है, ये फाइनल वाला सिलेक्टेड नहीं है, ये कट ऑफ इतना था 143.5। और इसके बाद ओबीसी का था 139, एसटी का था 112 और एससी का था 122.50। तो कट ऑफ ये है और कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर मैं उससे पहले एग्जामिनेशन की बात करूं 2016 की, तो 127 आपका जनरल के लिए था और 120 आपका ओबीसी के लिए था। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा कट ऑफ में उछाल आ रहा है। इस साल बहुत ज्यादा उछाल नहीं आने वाला है, जो आपका 143-142 इसी के आसपास रहेगा। इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि इससे ज्यादा आएगा, तो आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो इसी हिसाब से देना कि इससे ज्यादा कट ऑफ होने वाला नहीं है। आपका कट ऑफ आपका 140 से 143 के बीच में ही रहेगा, 143 से ज्यादा होने का चांस मुझे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आई होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से जो भी मैंने डिटेल दी है उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे एक बार टेस्ट सीरीज पे भी जाना, जरूर देखना, आप रजिस्टर करना, वहां से आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। फ्री टेस्ट देके देखना कि किस तरीके की वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप ये चीज जरूर कर सकते हो। तो बस ये था आज के वीडियो में, आई थिंक आपको फायदा मिला होगा। अगर आपको फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपनी डाउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।